हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन आज वो डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग टेबल्स। टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? आपको पता है टेबल्स क्या होता है? व्हाट इज अ टेबल? टेबल टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या होती है टेबल? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। ठीक है, अ टेबल यू नीड टू क्रिएट टेबल्स की क्यों जरूरत है? यू नीड टू क्रिएट टेबल्स, यू नीड क्रिएट टेबल्स टू इंसर्ट डेटा। डेटा को इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट डेटा। टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। यू नीड टू क्रिएट टेबल्स टू इंसर्ट डेटा। हम लोग टेबल को क्यों क्रिएट करते हैं? क्या आवश्यकता होती है? डेटा को इंसर्ट कराने के लिए, डेटा को इंसर्ट कराने के लिए हम लोग टेबल का क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दे आर डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसमें कुछ डेटा टाइप्स यूज होते हैं इन टेबल, यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? टेक्स्ट होता है। क्या होता है? टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या होगा? अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा? टेक्स्ट नंबर दो मिलेगा। यू कैन एंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स इन अ, इसमें इन अ फील्ड, इन द फील्ड, जो आपका फील्ड होगा उसमें हमने टेक्स्ट चूज किया है तो उसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट क्या? अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट हो गया, ये नंबर्स हो गया। अगर हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, टेक्स्ट डेटा सिलेक्ट किया, ये क्या है? डेटा टाइप। ये क्या है? डेटा टाइप्स। टेक्स्ट, टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो यू कैन एंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स इन द फील्ड। सेकेंड देखिए, मेमो। मेमो क्या होता है? यू कैन टाइप टेक्स्ट एंड नंबर्स अप टू, यू कैन टाइप टेक्स्ट एंड नंबर्स अप टू 535 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स ठीक है, मतलब इतने तक हम लोग इसमें लिख सकते हैं। मतलब मेमोज मतलब है कि इसमें हम लोग डिटेल में, जैसे हम लोग फीडबैक देते हैं उस टाइप का हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं मेमोज में। वो कैसा हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है और नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और कितने कैरेक्टर होते हैं? मैक्सिमम 65,535। ठीक है, ये मेमोज हो गया आपका। उसके बाद आता है नंबर। अगर आपने किसी टेबल में, किसी टेबल के फील्ड में नंबर को सिलेक्ट किया, हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, तो क्योंकि उसमें नंबर ही लिखते हैं, तो हमने नंबर सिलेक्ट किया, उसमें क्या होगा? यू कैन एंटर ओनली नंबर, ओनली नंबर इन द फील्ड। क्या एंटर कर सकते हैं? केवल नंबर को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम एंटर कर सकते हैं। इसके इसमें है करेंसी। करेंसी क्या होता है? एंटर करेंसी वैल्यू इन द फील्ड। करेंसी जैसे डॉलर रह गया, ठीक है, तो ये सब लोग करेंसी उसमें इंसर्ट करा सकते हैं। उसका ऑटो नंबर्स हो गया, मतलब ऑटो नंबर्स क्या? ऑटोमेटिकली जनरेट होना, जैसे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा। ठीक है, ऑटो नंबर लगा दिया आपने। ठीक है, हाइपरलिंक हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट की। अटैचमेंट, कोई फाइल, प्रेजेंटेशन फाइल, वर्क फाइल हम उसमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या? क्रिएट टेबल के डेटा टाइप्स। बहुत सारे आपने अब आपकी बुक में दे रखी है, इनको आप लिख लेना। ठीक है, तो ये चीजें हैं, जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो इन सबकी फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे।
ठीक है। देखिए प्राइमरी की बाकी सब क्रिटिकल एंड प्रैक्टिकल करवाएंगे तो आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। प्राइमरी की एंड फॉरेन की दो की हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर। प्राइमरी की देखिए, प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की इज आ प्राइमरी की इज अ यूनिक की क्या है, यूनिक की यूज टू आइडेंटिफाई द फील्ड ऑफ अ रिकॉर्ड, फील्ड ऑफ अ रिकॉर्ड मतलब ये है कोई रिकॉर्ड में अगर प्राइमरी की लगी हुई है किसी फील्ड में, उसमें कोई चीज है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई डिफाइन होगी, मतलब वो चीज डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा अगर प्राइमरी की लगी है। जैसे आपका एसआर नंबर होता है तो आपको पता है कि हर स्टूडेंट का एसआर नंबर अलग अलग होगा, सभी का, किसी का सेम सुना आपने कभी, कभी नहीं सुना होगा। तो कैसे क्रिएट होता है, प्राइमरी की से क्रिएट होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, और डुप्लीकेट नहीं होगा कभी भी। अगर उसमें प्राइमरी की लगी होगी तो डुप्लीकेट एसआर नंबर नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होता है, क्या करता है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उस टेबल के अंदर, ठीक है। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, देखिए फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की वो यूज करने के लिए हमें मल्टीपल टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब दो टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, दो टेबल की, ठीक है, दो टेबल होती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दो टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। अब जैसे हमने लिखा आईडी, तो यहाँ पे लिखा होगा आईडी, तो मतलब फॉरेन की क्या करेगा, यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो यहाँ पे क्या फॉरेन की है, जो यहाँ पे प्राइमरी की है वो इस टेबल में फॉरेन की। देखिए आईडी है कॉलम फील्ड, ये कॉलम कौन सा आईडी है, ये कॉलम का आईडी है, यहाँ पे क्या लगा प्राइमरी की, यहाँ क्या लगा फॉरेन की, तो मतलब जब भी इसको डेटा चाहिए होगा तो इसके पास आ जाएगी रेफरेंस ऑफ प्राइमरी की। फॉरेन की, फॉरेन की क्या होता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स विद द रेफरेंस ऑफ प्राइमरी की, इसका रेफरेंस लेगी, प्राइमरी की का रेफरेंस लेगी, ठीक है। या फिर दोनों पे डेफिनेशन दे रखे हैं, आप अपनी नोट अपनी बुक से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, ठीक है, जो थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल बचा वो हम करा देंगे। आपका होमवर्क है इसके, आप फिल द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल चॉइस जो भी आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, आप सभी स्टूडेंट्स उसको अपनी नोटबुक में करें, सॉल्व करेंगे, उसका फोटो क्लिक करके हमें सेंड करेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा आपका, चैप्टर नंबर है आपका
6 है ये आपका, तो आप इसको इसकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है जो पीछे दे रखी है आपको, उसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे ठीक है बच्चों, और हमें इसकी फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे।